Hello students, I am Mrs. Anita from Hartron Skill Center near Jat College Hisar. आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग. हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड. कंडीशनल स्टेटमेंट का एक लेक्चर हम पहले कर चुके हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट के उस लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, कौन कौन सी हैं और उनके एक एक दो दो प्रोग्राम भी किए थे. अभी हम आज जो लेक्चर करने जा रहे हैं इसमें हम सिर्फ प्रोग्राम ही करेंगे, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ का एक प्रोग्राम करते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट का. HTML टाइटल. टाइटल हम देंगे सिंपल इफ. टाइटल टैग क्लोज. अब हेड टैग क्लोज. हेड टैग क्लोज करने के बाद हम लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज. अब वीबी स्क्रिप्ट. वीबी स्क्रिप्ट ये हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया. कौन सी कर रहे हैं, वीबी स्क्रिप्ट उसका नाम लिखा. अब हम इसमें लिखते हैं डिम डायमेंशन में हमने दिया मार्क्स. एंटर मार्क्स. मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास और एंड इफ. ये कीवर्ड यूज करते हैं हम जब इफ कंडीशन को क्लोज करना हो. यहां पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज. HTML टैग क्लोज. सेव करते हैं इफ डॉट HTML. डेस्कटॉप पे सेव किया हमने. इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे. यहाँ पे नंबर देंगे हम, दे रहे हैं 99 पास. तो दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसी प्रोग्राम को, एक बार और रन करते हैं. यहाँ पे मैं लिखती हूँ 34. कोई आंसर नहीं आया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल इफ में अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं. तो ये हमारा एक सिंपल इफ का प्रोग्राम है. तो देखिए इसकी ड्रॉबैक क्या रहती है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें कुछ भी, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है. इसी का एडवांस है इफ एल्स. इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है. इसे नेक्स्ट है इफ एल्स, उसका प्रोग्राम करते हैं. इसी को कंटिन्यू करते हैं एल्स. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देखो हमने कंडीशन दी हुई है, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो पास है. अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा जो एल्स ब्लॉक में यहाँ पे हम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. हम यहाँ पे लिखेंगे फेल. एंड इफ हमने लिखा हुआ है
इसको सेव करते हैं। ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिए मार्क्स एंटर कराते हैं। अब यहां पे मैं 23 इतने दे ये दे रही हूँ, ये देखिए फेल। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, 78 पास। देखो तो अब ये हमारी दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन ट्रू है तो भी आंसर प्रिंट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो भी हमें आंसर मिल रहा है। जब कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक है, ये स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक के अंदर जो लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक प्रोग्राम किया इफ एल्स का, और हमें डिफरेंस भी पता चला इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में। तो देखिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहे हैं, जब हमने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है डॉट एचटीएमएल से। अगर मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी अगर लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि मैसेज बॉक्स दोनों ही एक्सटेंशन के साथ यूज होता है। यहाँ पे करते हैं मैसेज बॉक्स, ये देखिए आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि मैसेज बॉक्स को सिर्फ हम डॉट वीबीएस एक्सटेंशन के साथ ही यूज करते हैं, नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक ऐसी हमारी प्रिंट कमांड है जिनको जिसको हम सिर्फ डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ ही यूज करते हैं। देखिए एंटर मार्क्स 34 फिर ये देखिए मैसेज बॉक्स में आंसर आ गया। तो इस तरह हमने एक प्रोग्राम किया इफ एल्स का। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं आगे, हमें फाइंड आउट करना है दो नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। यहां पे लिखते हैं हम HTML टैग यूज करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमारे पास फैसिलिटी ज्यादा होती है कि हम अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फाइल्स हेड टैग क्लोज किया, अब मैं दे रही हूं बेजी कलर, ब्लैक, फिर फॉन्ट साइज 7, कलर व्हाइट। फ़ॉन्ट साइज 7, कलर व्हाइट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू हम लेंगे डिम ए कोमा बी, हम वैल्यू देते हैं एंटर नंबर। एंटर सेकेंड नंबर इफ A is greater than B, then यहां पे लिखते हैं
डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इफ. यहाँ पे इफ एल्स डॉट एचटीएमएल एंटर नंबर, नंबर एंटर कराते हैं 89. एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में एंटर करा रही हूं 99. सेकंड नंबर इज ग्रेटर, ये हमारा आंसर आ गया. अब हम इसी में नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है कि हमें फाइंड आउट करना है गिवन नंबर है लेस देन 100 है या ग्रेटर देन 100 है. बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोग्राम है. नंबर इज लेस देन 100 और नंबर इज ग्रेटर देन 100. इसको हम डिम में करते हैं. नंबर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100. मैसेज बॉक्स नंबर इज ग्रेटर देन 100. और अगर साथ में नंबर भी देखना है तो हम यहां पे लिख देंगे नंबर. एल्स यहां पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स नंबर इज लेस देन 100. देखिए एंड इफ सेव किया. नंबर डॉट वीपीएस इस पे यहां पे और यहां सेव करेंगे. एंटर नंबर मैं यहां पे लिखती हूँ 123. नंबर इज ग्रेटर देन 100, 123. इस तरह हमने ये प्रोग्राम किया है. इस तरह स्टूडेंट्स आप अपने आप भी प्रोग्राम कर सकते हैं. जैसे गिवन नंबर यू आर एलिजिबल टू गिव व्हाट, ये प्रोग्राम हमें अगर करना है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे
हम इसमें वेरिएबल लेंगे एज का और ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 18 लिख करके ये प्रोग्राम आपको अपने आप बनाना है. यू आर एलिजिबल टू गिव वोट और नॉट. अभी हम और प्रोग्राम कर रहे हैं इफ कंडीशन से रिलेटेड ही कि हमारे इसमें सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है बेसिक सैलरी तो हमारा HRA 20% है और DA 15% है बेसिक सैलरी का. ये प्रोग्राम हम इफ एल्स में कर रहे हैं. न्यू लिया हम प्रोग्राम कर रहे हैं. HTML टाइटल टैग नेट सैलरी. तो हमें नेट सैलरी फाइंड आउट करनी है जब बेसिक सैलरी हमें गिवन है. अगर बेसिक सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो हमें एचआर है 20% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए है 15%. अगर बेसिक सैलरी 50,000 से कम है तो हमारा एचआर 15% और डीए 10% है. हमें नेट सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय की. स्क्रिप्ट लैंग्वेज डिम में लिखेंगे बेसिक सैलरी नेट सैलरी HRA DA. तो हम सबसे पहले बेसिक सैलरी इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर बेसिक सैलरी. हमने बेसिक सैलरी को एंटर करा लिया. अब हम कंडीशन देंगे क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन है अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो एचआर और डीए इतना परसेंट है वो हम लिखेंगे. इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50,000 देन HRA is equal to basic salary 20% है. फिर हमें निकालना है DA basic salary into ये हमारा है 15 हमें निकालनी है नेट सैलरी. तो सबसे पहले तो हम यही प्रिंट कराते हैं कि हमारा एचआर और डीए बनता कितना है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो एचआर है डीए है और ग्रॉस सैलरी है वो एक साथ लिखी हुई आए ब्राउजर पे. एचआर इस
ये हमने डीए और एचआर दोनों प्रिंट करा रहे हैं। फिर हमें अभी निकालना है बेसिक नेट सैलरी। देखिए जो हमने यहाँ पे डायमेंशन में लिखा है सेम कीवर्ड यहाँ पे लिखना है, नेट सैलरी एचआरए, सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखते हैं प्लस एचआरए प्लस डीए। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां पे लिखेंगे नेट सैलरी इस नेट सैलरी, नेट सैलरी ये हमने प्रिंट करा लिया। अब हमें इसी का एल्स पोर्शन लिखना है। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम निकालेंगे एच आर ए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इन टू एच आर ए। बेसिक सैलरी का ये हमारे पास कंडीशन है 15% है। फिर डीए, डीए हमारे पास 10% है। बेसिक सैलरी डीए हमारा इतना परसेंट है। फिर हमें निकालनी है इसकी नेट सैलरी कितनी बनती है, यहीं पे लिख देते हैं नेट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस। एक चीज का और ध्यान रखना है, हम साथ में ना इंट यूज करेंगे इंट कीवर्ड का, ताकि ये कंकेट ना हो, क्योंकि हम इनकी एडिशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर इंट यहां भी इंट कीवर्ड का यूज करेंगे, सॉरी प्लस इंट डीए। एच आर ए डी ए नेट सैलरी हमने टोटल का काउंट कर ली है। अब हम इनको प्रिंट कराएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम कराएंगे डीए को प्रिंट। नेट सैलरी नेट सैलरी इज स्टूडेंट्स, ये हमने एच आर ए अगर कंडीशन फॉल्स है तो एच आर ए बेसिक सैलरी का 15% है और डीए 10% है, तो ये हमने एल्स पोर्शन में लिख लिया है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू
50,000 की, तो ये पुरुष ब्लॉक एल्स ब्लॉक पोर्शन है, ये एग्जीक्यूट होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ, हमने इफ कंडीशन हमारी खत्म हुई, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, सैलरी डॉट HTML, एंटर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में दे रही हूं 65,000। ये अगर हमारी कंडीशन ट्रू है इसमें, क्योंकि बेसिक सैलरी की हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर 50,000 ग्रेटर देन है तो हमारा HR और DR का जो परसेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी नेट सैलरी ये बनेगी। रिफ्रेश करते हैं, अब मैं सैलरी दे रही हूं 30,000। ये देखिए, तो हमारी नेट सैलरी ये बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोग्राम किया अभी नेट सैलरी निकालने का, जब हमारे पास DA, HR परसेंट के, ये बेसिक परसेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग है बेसिक।